आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना काल के चलते उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी से देश को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम राहत पैकेज देने की घोषणा की है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के सांसदों ने इस राहत पैकेज को देश की आर्थिक तरक्की के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया। वहीं आगरा जनपद की स्थिति पर भी सांसदों ने अपने विचार रखे। 12 मई की शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए लॉकडाउन 4 की घोषणा के साथ ही आर्थिक मंदी से देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। उससे अगले दिन बुधवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस भारी भरकम बजट में से 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर को उबारने के लिए देने की घोषणा की। आगरा के सांसदों ने प्रधानमंत्री के इस कदम को देश के लिए बेहद जरूरी बताया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की और उन्होंने ये कहा कि अगले दिन भारत के यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिटेल में अपनी बात को रखेंगे कि पूरी कार्य योजना क्या है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि देश के मर्म को समझते हुए उन्होंने 3rd लॉकडाउन 4th की भी जिसकी संभावना, ये मेरे निजी विचार हैं, मैं भी देश जाएगा और ख़ासतौर से आगरा तो 4th में पक्का जाएगा। ऐसे समय भारत की मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसमें कल निर्मला सीतारमण ने किसको क्या छूट मिलेगी, डिबेट मिलेगी, लाभ होगा उसके बारे में विस्तार से बताया। सब आप परिचित ही हैं जिस प्रकार अभी प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज देश का आर्थिक रूप में दिया है उसके बारे में बघेल साहब ने विस्तृत से आपको बताया है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक बड़े योद्धा के रूप में सामने आकर पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि भारत इस बीमारी से निपटने में सक्षम है और एक बड़ी आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें कल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने अलग अलग सेक्टरों को कैसे कैसे दिया गया है ये विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें MSME से लेकर उद्योगों से लेकर और आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया हो चाहे आपके बिजली से संबंधित जो भी मामले हैं, उनको अलग अलग एक बड़ा पैकेज दिया गया है और उसमें जो इनकम टैक्स का जो डेट्स थी वो भी बढ़ाई गई है, कंस्ट्रक्शन के लिए 6 महीने की अवधि को और भी बढ़ाया गया है। आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर का कहना था कि प्रधानमंत्री का निर्णय दूरदर्शी है। उन्होंने देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए लोकल वोकल और वोकल से ग्लोबल का जो नारा दिया है वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि हम स्वदेशी सामान को अपनाकर देश को आर्थिक मंदी से उबार सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का मैं तो सोचता हूँ कि नए भारत का उदय होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसमें लैंड, लेबर और लिक्विडिटी, उसके साथ लॉ और लोकल पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकल को वोकल करना है और लोकल को ग्लोबल बनाना है। जो महान नेता होते हैं वो विषम परिस्थिति को भी अवसर में कन्वर्ट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस वैश्विक महामारी में भी इसको एक अवसर में बदल दिया है और मेड इन इंडिया पर बहुत ध्यान दिया है। ऐसा हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं। गांधी जी ने ग्रामोद्योग पर बहुत बात की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की बात की है वो भी तभी अंत्योदय होगा, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी जब उस मजदूर को काम मिलेगा और काम देश में मिलेगा। ऐसे लोग विदेश नहीं जाते हैं, अनस्किल लेबर के बारे में चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए लोकल और वोकल एक बहुत बड़ा नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लोकल जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल रूप में सामने दुनिया में नजर आए, इसके लिए एक आत्मनिर्भरता के साथ भारत खड़ा होगा। तो इस प्रकार का एक आर्थिक पैकेज जिस प्रकार से दिया है, प्रवासियों की अलग से चिंता की है, 1000 करोड़ रुपए उनको अलग से दिए गए उनकी व्यवस्था के लिए, तो मेरा कहना यह है कि हम लोग निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनकर दुनिया में आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को मैं व्यक्तिगत रूप से और हम और आदरणीय बघेल साहब धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने देश के महामारी के समय में 2020 में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल का कहना था कि भारत ने विश्व को सतयुग से लेकर कलयुग तक अपने आविष्कारों से अचंभित किया है।
और विदेश के लोगों ने, चाइना ने किया R&D उनका था कि हमारी, हमें, मुझसे पूछा जाए JMP, तो मैं चाइना के एक भी त्यौहार को नहीं बता सकता, लेकिन उनको हमारी दीपावली पता है, दीपावली के गणेश जी और लक्ष्मी जी पता है, और दीपक पता है, बत्ती पता है, मोमबत्ती पता है, उन्होंने भेज दी। उनको हमारी होली पता है, होली के रंग, होली की पिचकारी और होली के तमाम सामान केमिकल्स उन्होंने बेच दिए। तो एक नए भारत का होगा, और ये हमारी पुरानी परंपरा है। हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को ही पकड़ लें तो हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। राइट ब्रदर्स ने 1900 कुछ में हवाई जहाज़ बनाया, पुष्पक हमारे यहाँ बहुत पहले से था, एक युग पहले था। बुलेट प्रूफ जैकेट अब जाकर के सप्लाई हम कर पा रहे हैं, करण के पास त्रेता द्वापर में थी। मिसाइल्स अब जाके ISBL वगैरह हम बना पाए हैं, हमारे पास अग्निवाण पहले से थे। फायर प्रूफ जैकेट अभी भी सारे हम फायर कॉन्स्टेबल्स को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद की बुआ होलिका के पास थी। जेल बेड ने टेलीविज़न 1900 कुछ में बनाया है, लेकिन द्वापर में कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को हस्तनापुर में बैठ के संजय लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तो ये सब स्वदेशी था। मेडिकल क्षेत्र में भी लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए, कोमा में चले गए, तो आयुर्वेद से इलाज हुआ। दोनों ही सांसदों ने आगरा की इस स्थिति के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते आगरा में ये केस बढ़ गए थे। अब शासन ने CMO, AD हेल्थ, SN प्राचार्य, SN के CMS सहित तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को हटा दिया है, जिससे आगरा में हालत सुधरने की उम्मीद जगी है। टर्निंग पॉइंट आया जब तबलीग जमात के लोग निजामुद्दीन मरकज से आए और उन्होंने अपने को कैमोफ्लाइज किया। सारी चीज बता रहे हैं, वो सारे जिलों में हुआ है, आगरा में स्पेशल नहीं हुआ है। जितना तबलीग जमात का हमारे यहाँ, उतने मैनपुरी में थोड़े गए, उतना हाथरस में नहीं गए, उतना कासगंज में नहीं गए। और देखिए, ये भी धन्यवाद दो तेलंगाना सरकार का कि जब जैसे कोई आपका कोर्स आज डिस्पर्स होता है, तो जो जिस शहर में है वहाँ सबसे पहले घर में पहुँचे, फिर NCR में पहुँचे, तेलंगाना लास्ट में पहुँचे। वहाँ जब डेथ हुई है तब हमें ये ट्रेवल हिस्ट्री पता चली, तब तक ये अपने 35-40-50 के खानदान को संक्रमित कर चुके हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 3-3 दिन 4-4 दिन उस कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर होने के बाद भी पेशेंट को घर से लाकर के आइसोलेट नहीं किया गया, ये क्या गलती नहीं है प्रशासन की? हो सकती है, लेकिन ये भी है कि जब वो पॉजिटिव है तो उसको ध्यान रखना है। खुद आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति क्वारंटाइन होगा कि नहीं होगा, जबकि उसके पास लिस्ट है कोरोना पॉजिटिव की। स्वास्थ्य विभाग में दो बड़े विकेट इसीलिए गिराए गए हैं। आगरा की जनपद की स्थिति अब धीरे धीरे निरंतर सुधार में है। आमूल चूल परिवर्तन, जो शिकायतें थी जिन लोगों के साथ, वो आप देख रहे हैं कि ये चाहे वो SN के प्रिंसिपल हो, चाहे CMO हो, चाहे SN के CMS हो, उनको अगर कहीं छोटी मोटी लापरवाही जहां भी नज़र आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लिया, वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से भेजे, उन्होंने यहाँ बैठ कर जो आकलन किया उसी का परिणाम है कि ऐसे लोगों को हटाया भी गया है। तो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस कोरोना महामारी रूपी लड़ाई को मजबूती से लड़कर जीतने के लिए कटिबद्ध है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई की शाम को 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए आवंटित किया जाएगा। इस बजट के माध्यम से अति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यवसायियों को स्वदेशी सामान बनाकर बेचने में मदद मिलेगी। साथ ही इस बजट में किसानों को भी रोजगार परक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विजय बघेल, CNews आगरा।